गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका दोस्त हार्दिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रोड बाइकर्स। तो आज सेकंड डे है हमारा लद्दाख में, और हम जा रहे हैं खारडूंला की ओर। और हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है आज का हुंडर। तो फर्स्ट खारडूंला हिट करेंगे, उसके बाद जाएंगे हुंडर। आई थिंक हम गलत रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो क्यों, हम शायद गलत रास्ते पर हैं, किसी से पूछना पड़ेगा। लेट्स सी, मेरे दोस्त तो दोनों पीछे आ रहे हैं, किसी से पूछ के फिर आगे बढ़ते हैं, शायद ये गलत रास्ता है। सो गाइज, वी आर बैक ऑन ट्रैक। हम गलत रास्ते पे आगे बढ़ गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट नाउ वी आर ऑन ट्रैक। ओके, ये जो आगे रास्ता जा रहा है, वहाँ से हम लोग ऊपर आए थे। एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। यस, यहाँ से हम लोग ऊपर आए थे। ओके, और हमें एक्चुअली जाना था लेफ्ट हैंड साइड पे, और हम लोग निकल गए थे सीधा राइट हैंड साइड पे। तो हमारा आई थिंक 15-20 मिनट वेस्ट हुआ है। इट्स ओके, फाइन। खारडूंला के लिए हम लोग एंटर कर चुके हैं अभी रोड पे। और जो मैम पीछे खड़े थे, उन्होंने बताया कि अभी कोई टर्न नहीं आएगा, कुछ नहीं, आपको ये रोड पकड़ के सीधा ही चलते जाना है जब तक कि खारडूंला आना जाए। सो ये अभी स्ट्रेट रोड है, सिंगल रोड है, ये काफ़ी छोटा रोड है, कल से काफ़ी छोटा रोड है। तो उन्होंने कहा आराम से जाइएगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है। वी सेड ओके। हमारे जो बाइक ओनर्स थे, उन्होंने हमें बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता जाएगा और आप को एडजस्ट काफ़ी करना पड़ेगा। तो गाइस, अभी ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अभी उंगलियाँ भी मेरी थोड़ी 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 सूट होने लगी है, अभी तो काफ़ी रास्ता तय करना बाकी है। सो आज आपको आज की जो हमारी जर्नी है, जो हमने प्लान किया है, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हम आज ले से निकले, एक्चुअली बहुत लेट निकले हम लोग, 11:30 बजे। दैट वॉज नॉट द राइट टाइम टू लीव ले। अगर आप खारडूंला के लिए निकल रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 9 बजे सुबह निकल ही जाना पड़ेगा, तो ही आप हुंडर तक मेरे हिसाब से आप सही टाइम पे पहुंच सकते हो। सो लेट्स सी, हमारा डेस्टिनेशन तो हुंडर है, लेकिन एक्चुअली हम लोग 11:30 बजे निकले हैं, और अभी तकरीबन 12:30 ऊपर हो चुका है। सो अभी ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। रास्ते में सबसे पहले आएगा साउथ पुलू, साउथ पुलू के बाद रास्ता ख़राब है जैसा कि मुझे थोड़ा आइडिया है, और साउथ पुलू के बाद खारडूंला हाईएस्ट पीक आ जाएगा, और उसके बाद नॉर्थ पुलू, नॉर्थ पुलू के बाद अगेन रास्ता अच्छा है, और ये काफ़ी सारे बाइकर्स।
आप लोग देख रहे होंगे कि काउस पे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है बाइक चलाते समय, और काउस पे अगर आपने अचानक ब्रेक लगा दिया तो बाइक तो आपको सीधा लेके जाएगी रोड पे। और हम अभी सीधा ऊपर की ओर ही चढ़ रहे हैं, बाइक भी काफ़ी लोड ले रही है, सेकंड थर्ड पे मैं चला रहा हूँ अभी इसको, बट इट इज़ रिस्पॉन्सिव, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है एवेंजर का। तो अभी तकरीबन 1:30 बज रहा है और साउथ कुल्लू यहाँ से है 20 किलोमीटर के आसपास है, कुछ 20-22 किलोमीटर। तो वहाँ पर पहुँचने में कम से कम 45 मिनट्स या 1 आवर भी लग सकता है। आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, और हम फील भी कर सकते हैं उसे, क्योंकि जब हम ले में थे हम लोगों ने एक एक लेयर ही पहना, दो दो लेयर पहने थे मैंने शायद। अभी रास्ते में मैंने बाइक बीच में रोक दी और अगेन मैंने ऊपर एक और जैकेट पहन लिया है, क्योंकि मुझे काफ़ी ठंड लगना शुरू हो गया था। अभी ऊपर जाके पता नहीं क्या हाल होगा। चलो चलते हैं हाडोंगला टॉप की ओर। रोड की एक मुझे बहुत ही अच्छी बात ये लगी कि जहाँ कहीं भी काउस आते हैं, हर एक काउस पे मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं किसी पत्थर पर हॉर्न प्लीज या हॉर्न का सिंबल लगा कर रखा है, ताकि आपको रिमाइंड कराता रहता है कि कौ है आगे आपको हॉर्न बजाना है, कौ है आगे आपको हॉर्न बजाना है एवरी टाइम। मैंने ऐसा आई थिंक एक आध कौ ही देखा होगा जहाँ पे नहीं लिखा होगा, ऑलमोस्ट सभी कौज पे मैंने पढ़ा है वो साइन। हॉर्न ये आप सामने देख पा रहे हो, येलो बॉर्ड, यस अगेन सेम, सो इट्स अ गुड साइन। सो गाइस एक शॉर्ट ब्रेक के बाद अगेन लेट्स बैक ऑन टू द ट्रैक। जहाँ पर अभी मैं खड़ा था वहाँ पर खाडोंगला क्रॉस कर सामने से एक बाइकर आ रहा था, तो वो भी वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट के लिए खड़ा था। सो उसे थोड़ा बात किया मैंने, ऊपर का टेम्परेचर वगैरह सब कैसा है, मौसम कैसा है। इसके मौसम तो बिगड़ रहा है धीरे धीरे, आप जैसे जितना भी जल्दी हो सके ऊपर टॉप पर पहुंच के सीधा ही नीचे चले जाना, एटलीस्ट कहीं रुकना मत और टाइम वेस्ट मत करना, जितना हो सके उतना जल्दी ऊपर पहुंच जाना ताकि उतना ही जल्दी आप नीचे उतर सको, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है अकॉर्डिंग टू हिम।
गाइस अभी मैंने अपने फ़ोन की बैटरी चेक की, एक्चुअली इट्स नियर अबाउट टू डाई। अभी सिर्फ 15% ही बैटरी मेरे पास है, तो मैं ज़्यादा आई थिंक शूट नहीं कर पाऊँगा, ऊपर का शूट आई थिंक मैं नहीं कर पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। बट जैसे ही मेरा फ़ोन चार्ज हो जाता है मैं आई विल अगेन शूट इट। ओके सो फॉर नाउ आई हैव टू चार्ज माई फोन। ओके सो बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल डेफिनेटली शेयर सम फोटोज विथ यू, क्योंकि ऊपर अभी एक्चुअली मेरे हाथ भी काफ़ी सुन हो रहे हैं धीरे धीरे, सो मैं अपना मोबाइल भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ उसकी वजह से। सो आई विल डेफिनेटली शेयर फोटोज फॉर श्योर। ओके मेरा फ़ोन एक्चुअली थोड़ा बाउंड से गया था। काफ़ी 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 ज़्यादा ठंड है गाइस। एक्चुअली आई कैन स्पीक प्रॉपरली फॉर दैट, थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सो खाडुंगला टॉप पर हिट करके आए हम लोग, 18,000 feet, तकरीबन आधा घंटा वहाँ पर स्टे किया। उसके बाद थोड़ा सांस में दिक्कत आ रहा था, सो हम लोग फिर नीचे आ गए। ओके सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट के ऐसा मैंने कुछ अचीव किया हो ऐसा लग रहा है, काफ़ी काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। हवा भी काफ़ी तेज़ हो गई है, सामने आप शायद बर्फ़ देख रहे हो, उसका ही असर है ये सब कुछ। ठंड काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, बट ओवरऑल काफ़ी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। खाडुंगला ऊपर थोड़ी बर्फ़ गिर रही थी और स्नोफॉल की वजह से अगेन हाथ पूरे सुन हो चुके थे मेरे। अभी काफ़ी काफ़ी हिम्मत जुटा के मैंने ये वीडियो शूट अगेन चालू किया है, क्योंकि ग्लव्स में से हाथ निकालने का बिल्कुल डेयरिंग नहीं हो रहा था मेरा कि हाथ निकालूँ और फ़ोन ऑपरेट कर शूट कर, लेकिन फिर भी अपने आप को हिम्मत दी और बोला कि यार ये शूट करने के लिए तो इधर आया हूँ मैं, वही नहीं कर पाए तो फिर इसका कुछ मीनिंग नहीं है। सो अगेन शायद बैटरी मेरी अभी 70-80% आई थिंक चार्ज हो चुकी है, सो टिल द एंड मैं शूट कर पाऊँगा। अभी हम कम्प्लीटली नीचे तो नहीं आए हैं, 18,000 feet था खाडुंगला और अभी हम तकरीबन 16,000 feet के आसपास है। सो ठंड
ये नहीं कह सकते कि कम हो गई है, मुझे तो अभी भी उतनी ही लग रही है। आज शायद मैं तबीयत मेरी ठीक रहे तो अच्छा है, क्योंकि बॉडी मेरी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुकी है। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैंने टोटल 4 लेयर्स मैंने पहने हुए हैं, और उसमें से 2 लेयर तो जैकेट्स के हैं, 1 लेयर थर्मल का है। ओके, उसके बावजूद भी मुझे कोल्ड हो चुका है। काफ़ी दिक्कत आ रही है बोलने में भी। सो अगेन, काफ़ी अच्छा एटमोसफियर है और काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल व्यूज है। सो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वाह, क्या नज़ारा है। ऑसम, बहुत बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मुब्रा। वाह, ये जन्नत से कम नहीं है, जन्नत से कम नहीं है। सीरियसली गाइस, अगर आपको इस नज़ारे को देखना है या तो आपको खुद ही आना, आप यहाँ आना पड़ेगा, आपको खुद ही ये फील करना पड़ेगा। मौसम का हाल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, काफ़ी काफ़ी ख़राब हो रहा है। ओह शिट, तो अभी हम पहुंच चुके हैं साउथ कुल्लू। यस, फर्स्ट नॉर्थ कुल्लू, इसके बाद खारडुंगला टॉप, अभी नीचे उतर कर फर्स्ट पॉइंट है साउथ कुल्लू। अभी साउथ कुल्लू से आगे कुंडर तक मुझे नहीं लगता है हम लोग पहुंच पाएंगे। सो हम बीच में ही कहीं पर स्टे करेंगे। लेट्स सी कहाँ पर हम स्टे कर सकते हैं, क्योंकि बीच में तो आई थिंक 2 जगह बीच में आती है जहाँ से रहने की आई थिंक एकोमोडेशन सब अवेलेबल हो जाएगा। एक खारडूंग गांव है वो है, उसके बाद खालसर है। देखते हैं हम कहाँ पर स्टे कर सकते हैं आज। सो गाइज, उंडर अभी यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर्स है। सो और अभी ओ आई थिंक याक से, ये यस याक से। ओके, सो उंडर यहाँ से 60 किलोमीटर्स है, और हम वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएंगे आज, क्योंकि तीनों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है ठंड की वजह से। सो हमने डिसाइड किया कि हाँ, बीच में जो गांव आ रहा है खारडूंग, खारडूंग विलेज है, वहाँ पर शायद एकोमोडेशन हमें मिल जाएगा, होम स्टेज वगैरह। सो हम लोग शायद वहीं पर रुक जाएंगे आज, देखते हैं। एंजॉय द व्यू गाइस, एंजॉय द व्यू, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है। बादलों की परछाई मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखी। ये जो पहाड़ी पर आपको छांव दिख रही है वो एक्चुअली बादलों की परछाई है। ओह सो अमेजिंग व्यू यार, अमेजिंग, ऐसा नज़ारा कभी कभी नहीं देखा मैंने पहले।
अभी खारडू विलेज लास्ट बोर्ड आया था उसका अभी 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। सो आफ्टर 5 किलोमीटर्स मुझे रेस्ट करने का मौका मिलेगा। ये 5 किलोमीटर्स बहुत लंबे होने वाले हैं मेरी लाइफ के। ओके क्योंकि बॉडी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। तो हम तकरीबन तकरीबन पहुंच ही गए हैं खाडूंग विलेज में। अभी हमारा एक ही काम है यहाँ पर जल्दी से जल्दी एकोमोडेशन फाइंड करना और रजाई के अंदर जाके घुस जाना। बस ये तो बहुत ज़्यादा सुनसान गांव लग रहा है यार। कुछ भी बाहर नहीं दिख रहा है, कोई एक एक भी बंदा बाहर नहीं दिख रहा है। अरे बाप रे यार, इट्स लेट्स सी, देखते हैं। ओके सो गाइस, आई एम एंडिंग माय टुडेज वीडियो हियर। बाय बाय, गुड बाय, सी यू टुमारो।